अरे यहाँ पे सर भाई ये कैमरा भाई यहाँ पे सेंटर में जी मेरे भाइयों कैसे सर फॉलो कर रहे हैं सर बिग बॉस जी नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता सर आप फॉलो नहीं नहीं मैं सच्ची में नहीं करता ऐसा ही उम्र उम्र का भी एविक्शन हो गया सर तो इस पर आपका जी मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि जब तक मैं बहुत अच्छा खेला पर इंडियन इट्स अ गेम और हारना जीतना लगते ही रहते हैं सब कुछ जीत नहीं सकते तो जो भी है जैसा भी है आई थिंक वी हैव टू एक्सेप्ट इट बाकी बहुत अच्छा खेला तो वापस आप इंट्री करने वाले हो जी अभी मेरे को बात करने के लिए मना किया इसमें तुमने कहा है कि सर आप एंट्री करने वाले वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं 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 अभी मैं कंफर्म कुछ नहीं करूँगा लेकिन अभी मैं बात नहीं कर सकता इसमें सर सलमान सर ने राखी जी की भी क्लास ली है किसी क्लास की है राखी सावंत तो उस पर आप क्या क्यों क्लास ली है उन्होंने जो तेजा और क्या बताया दोनों का जो सनी समझ गया उसके लिए कुछ बोल दिया तो मैं बोलना चाहूँगा यार कि भाई ये शो को पिछले 15 साल से चला रहे हैं वो उस टाइम शो तो अगर उनको डाटा है तो ज़रूर कुछ सोच समझ के ही डाटा होगा एंड आई एम श्योर ये सब बातें चलती रहती हैं अगर डाटा है तो कुछ सोच समझ के ही डाटा होगा कुछ कुछ सही कहा होगा जो भी कहा होगा दैट आई एम श्योर इस बार सिम्बा लायन वाला अवतार देखने मिलेगा घर के अंदर अगर जाओगे घर के अंदर जाएंगे तो देखने को देखते हैं कि क्या देखने को मिलते हैं लायन को डिपेंड करता है आप कैसे देखना चाहते हैं लायन तो अपना दिन में सोता भी है चैन से खाता भी है प्यार भी करता है और शिकार भी करता है अब तक तो आराम हो ही गया लायन का डेफिनेटली तो अब अगर जाएंगे तो फिर दहाड़ जी मैं बोलना चाहूँगा कि स्क्रीन के लिए या टेंशन के लिए मैं कुछ भी फेक नहीं करने वाला जैसी सिचुएशन होंगी उसके हिसाब से ही रिवर्ट बैक हुआ जाएगा चाहे वो दहाड़ना पड़े या फिर वापस सोना पड़े डजंट मैटर टू मी लेकिन सिचुएशन के हिसाब से ही मैं जवाब देना उसको जरूरी समझूंगा अब करण और तेजस्वी की जो लव स्टोरी है वो आपको रियल लगती है या फेक जी मेरे को बिल्कुल रियल लगती है एंड ऐसे घर के अंदर जब आपके पास कोई और होता नहीं है आप सुबह से लेकर शाम तक एक इंसान के साथ वक्त गुजारते हैं तो ऐसी अट्रैक्शन क्रिएट हो ही जाती है हम सबके बीच में बहुत अच्छे बॉन्ड्स क्रिएट हो गए थे और अगर वो एक्स्ट्रा टाइम एक साथ स्पेंड करें तो हो सकता है कि अट्रैक्ट हो गए होते हैं एज अ विनर किसको देखते हो जी एज अ विनर मुझे लगता है वैसे सब बहुत अच्छा खेल रहे हैं सब बहुत अच्छा खेल रहे हैं लेकिन अगर मैं प्रतीक निशांत की बात करूँ और क्षमता की बात करूँ तो मुझे लगता है कि एनी वन ऑफ दोस थ्री थैंक यू थैंक यू क्या कर रहे हो सर सही सही Thank you.